नमस्कार दोस्तों, पिछले हफ्ते हिंडनबर्ग रिसर्च नाम की एक अमेरिकन कंपनी ने एक रिपोर्ट निकाली जिसमें कुछ बहुत बड़े और भारी आरोप लगाए गए इंडिया के सबसे अमीर आदमी मिस्टर गौतम अडानी पर। नतीजा ये हुआ इस रिपोर्ट के आने के सिर्फ 3 दिन के अंदर अंदर $65 बिलियन का नुकसान हुआ अडानी कंपनीज को। जाहिर सी बात है आप जानना चाहेंगे कि आखिर है क्या इस रिपोर्ट के अंदर, लेकिन इससे भी दिलचस्प बात यह है दोस्तों कि हिंडनबर्ग को इतना भरोसा है अपनी रिपोर्ट पर, इन्होंने खुलेआम चैलेंज किया अडानी कंपनीज की लीगल टीम को। हिम्मत है तो लीगल केस फाइल कर दो हिंडनबर्ग के खिलाफ। अगर हमारी बात पर यकीन नहीं, हम केस लड़ने के लिए तैयार है। एक्चुअली अगर हिंडनबर्ग की बात गलत निकलती है तो अडानी को रिवेंज लेने के लिए केस भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हिंडनबर्ग की प्रिडिक्शंस गलत हुई तो उन्हें खुद भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने अडानी के स्टॉक्स की शॉर्ट सेलिंग करी है। शॉर्ट सेलिंग आखिर होती क्या है, क्या ये रिपोर्ट पॉलिटिकली मोटिवेटेड है और एग्जैक्टली क्या बताया गया है इसके अंदर, आइए समझते हैं पूरी कहानी को आज के इस वीडियो में। अडानी ग्रुप कंपनीज आर कंटिन्यूइंग टू फेस बैकलैश आफ्टर रिपोर्ट फ्रॉम हिंडनबर्ग रिसर्च। 24 जनवरी को हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आते ही अडानी ग्रुप ने इसका खंडन कर दिया था। A major short seller Hindenburg Research, Hindenburg Research, Hindenburg Research, the Hindenburg Research. हिंडनबर्ग ने जब अपनी रिपोर्ट जारी की थी तब कहा था कि कॉर्पोरेट इतिहास का सबसे बड़ा फ्रॉड है। अब अडानी को तो हर कोई जानता है इंडिया में एटलीस्ट, लेकिन हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी का नाम आप में से कई लोगों ने पहली बार सुना होगा, तो इस कंपनी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इस कंपनी की स्थापना करी गई थी साल 2017 में नेथन नेट एंडरसन नाम के एक आदमी के द्वारा। ये आदमी प्रोफेशन से एक चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट और चार्टर्ड अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट है। ये प्रोफेशन का नाम है, बड़ा ही हट्टा कट्टा प्रोफेशन है, सुनने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो शॉर्ट में समझ लो कि ये फाइनेंशियल एनालिस्ट है। हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी का काम है फाइनेंशियल रिसर्च करना। ये कंपनी कहती है कि इनकी रिसर्च ऐसी चीजों को लेकर होती है जहां पर इंफॉर्मेशन पता लगानी आसान नहीं होती, अनकवरिंग हार्ड टू फाइंड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम एटिपिकल सोर्सेज। एंडरसन की बात करी जाए तो इन्होंने अपनी पढ़ाई यूनिवर्सिटी ऑफ कनेटिकट से करी थी। इनकी डिग्री इंटरनेशनल बिजनेस में है। शुरुआत में इन्होंने इसराइल में एम्बुलेंस ड्राइवर के तौर पर काम किया था, जिसके बाद ये अमेरिका मूव किए थे। अपने फाइनेंशियल करियर की इन्होंने शुरुआत करी थी इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनीज में काम करके। जब इन्होंने हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी बनाई साल 2017 में, तो इस कंपनी के नाम के पीछे एक पर्पस था। हिंडनबर्ग जो नाम है ये आता है साल 1937 में हुई एक ट्रेजेडी से। बड़े ही पुराने समय की बात है कि एक बड़ा सा हवाई जहाज होता था हिंडनबर्ग नाम से। ये हवाई जहाज एरोप्लेन वाला नहीं बल्कि एक एयरशिप थी। ये एयरशिप्स आज के दिन वैसे बहुत कम देखने को मिलती है, लेकिन उस जमाने में काफी कॉमन होती थी। तो ये एक हिंडनबर्ग नाम की एयरशिप पर आग लग गई एक्सीडेंटली एक दिन, जिसमें 35 लोग मारे गए। बड़ा ही फेमस डिजास्टर है ये, क्योंकि इसकी फोटोज भी कैप्चर करी गई थी उस जमाने में जब ये हुआ था। एंडरसन स्टॉक मार्केट में हुए डिजास्टर्स को 1937 के इस डिजास्टर से कंपेयर करते हैं, ये कहते हुए कि ये सारे मैन मेड डिजास्टर्स हैं। और इनकी कंपनी का पर्पस इनकी राय में है ऐसे स्टॉक मार्केट में हिंडनबर्ग टाइप डिजास्टर्स को होने से रोकना। इसलिए दोस्तों हिंडनबर्ग एक फाइनेंशियल रिसर्च कंपनी होने के अलावा एक एक्टिविस्ट टाइप कंपनी भी है। ये एक्टिविज्म करते हैं दुनिया की भलाई के लिए कि दुनिया भर में ऐसे स्टॉक मार्केट के डिजास्टर्स ना देखने को मिले, और ये अपना एक्टिविज्म करते हैं शॉर्ट सेलिंग के जरिए। तो अब शॉर्ट सेलिंग समझते हैं एक्चुअली में होता क्या है। नॉर्मली आप पैसा लगाते हो किसी स्टॉक में इस उम्मीद से कि उस कंपनी का स्टॉक प्राइस ऊपर जाएगा और तब जाके आपको मुनाफा मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। शॉर्ट सेलिंग में आप पैसा लगाते हो इस उम्मीद से कि किसी कंपनी का स्टॉक प्राइस नीचे जाएगा और तब जाके आपको मुनाफा मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। समझे बात को? जाहिर सी बात है ये तभी आप करना चाहोगे जब आपको उम्मीद है कि किसी कंपनी का स्टॉक प्राइस नीचे जाने वाला है, जब आपको लगता है कि कोई कंपनी ओवर वैल्यूड है। एग्जैक्टली शॉर्ट सेलिंग का प्रोसेस क्या है इसकी डिटेल्स में मैं नहीं जाऊंगा चीजों को सिंपल रखने के लिए, लेकिन एक चीज आप समझ गए होंगे कि शॉर्ट सेलिंग करना भी पैसा कमाने का एक तरीका है, और इस चीज को हिंडनबर्ग मना भी नहीं करता। हिंडनबर्ग कंपनी का कहना है कि हम पहले अपनी फाइनेंशियल रिसर्च करके कंपनीज के फ्रॉड को एक्सपोज करेंगे, और फिर जिस कंपनी को हमने एक्सपोज किया है उस पर हम अपना पैसा लगाएंगे शॉर्ट सेलिंग करके। हम दाव लगाएंगे कि इस कंपनी का स्टॉक भी नीचे गिरेगा और इस फ्रॉड के चलते हम खुद भी पैसे कमाएंगे। बड़ा कमाल का बिजनेस मॉडल है ये, लेकिन ये काम बड़ा रिस्की है क्योंकि शॉर्ट सेलिंग करते वक्त आपके लॉसेस की पोटेंशियली कोई अपर लिमिट नहीं होती। अब नॉर्मली जब आप किसी कंपनी के स्टॉक खरीदते हो इस उम्मीद में कि वो ऊपर जाएंगे, मान लो आपने 1000 रुपए लगाए एप्पल के स्टॉक में, ज्यादा से ज्यादा बुरी चीज क्या होगी कि उस एप्पल का स्टॉक बिल्कुल जीरो हो गया और आपने सारे 1000 रुपए अपने खो दिए, आपका नुकसान 1000 रुपए का हुआ। लेकिन शॉर्ट सेलिंग करते वक्त आप इस पर पैसा लगा रहे हो कि वो स्टॉक कितना नीचे जाएगा। अब नीचे जाने की जगह अगर वो ऊपर चला गया, ऊपर तो वो कितना भी जा सकता है,
वो 100% बढ़ सकता है, 200% बढ़ सकता है, 300%, 1000% बढ़ सकता है। आपने अगर 1000 रुपए लगाए शॉर्ट सेलिंग में तो उसका नुकसान आपको 10,000 रुपए का भी हो सकता है, 1,00,000 रुपए का भी हो सकता है अगर वो इतना ऊपर चला गया स्टॉक। तो नॉर्मल स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से कहीं ज्यादा रिस्की काम है शॉर्ट सेलिंग करना। अब ये समझ लिया, आइए समझते हैं अडानी ग्रुप के ऊपर लगाई गई एलिगेशंस को। अडानी ग्रुप के अंदर 7 मेजर स्टॉक लिस्टेड कंपनीज हैं, बहुत सारे अलग अलग सेक्टर्स में फैली हुई है ये। अडानी ग्रीन एनर्जी जो रिन्यूएबल पावर जनरेशन करती है, अडानी एंटरप्राइजेस जो कोल माइनिंग और ट्रेडिंग करती है, अडानी ट्रांसमिशन जो पावर ट्रांसमिशन का काम करती है, अडानी टोटल गैस गैस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, अडानी पावर कोल बेस्ड पावर जनरेशन के लिए, अडानी पोर्ट्स के लिए, और अडानी विल्मर जो कि एक जॉइंट बिजनेस है सिंगापुर की विल्मर इंटरनेशनल के साथ। कुछ साल पहले तक अडानी कंपनी के ऑपरेशंस इतने बड़े और डाइवर्सिफाइड नहीं थे, ज्यादातर गुजरात तक ही सीमित थे, लेकिन पिछले कुछ सालों में जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिली। ग्रोथ इतनी ज्यादा थी कि एक समय पर अडानी दुनिया के 3rd richest आदमी बन गए। इनकी नेटवर्थ $120 बिलियन पहुंच गई, और इस $120 बिलियन में से $100 बिलियन से ज्यादा सिर्फ पिछले 3 साल में आई थी। वो अलग बात है कि जब से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट निकली ये पहले 4th स्पॉट पर फिसले और फिर 8th स्पॉट पर हैं जिस समय पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। टोटल में अडानी ग्रुप के शेयर्स ने करीब $65 बिलियन लूज किए हैं मार्केट वैल्यू में, जो कि 4,00,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा रकम होती है। और अब आइए इस रिपोर्ट को थोड़ा गहराई से देखते हैं। 106 पेज की रिपोर्ट है ये। इस रिपोर्ट का टाइटल है अडानी ग्रुप हाउ द वर्ल्ड्स 3rd richest man इज पुलिंग द लार्जेस्ट कॉन इन कॉर्पोरेट हिस्ट्री। मतलब इनकी राय में कॉर्पोरेट इतिहास का यहाँ पर सबसे बड़ा फ्रॉड हो रहा है। हिंडनबर्ग रिसर्च का कहना है कि इन्होंने 2 साल से ज्यादा लगा इस रिसर्च को करने में। ये अडानी ग्रुप पर बहुत सारे एलिगेशंस लगाते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग, स्टॉक मैनिपुलेशन, अकाउंटिंग फ्रॉड, करप्शन, थेफ्ट ऑफ टैक्स पेयर फंड्स, ऑफशोर शेल कंपनीज का बनाया जाना। इनका कहना है कि अडानी ग्रुप की कंपनीज फोकस रही हैं 4 अलग अलग गवर्नमेंट फ्रॉड इन्वेस्टिगेशंस का। रिपोर्ट में बताया गया है गौतम अडानी के छोटे भाई राजेश अडानी के बारे में। कहा है कि साल 2004-05 में डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने इनको अक्यूज किया था। एलिजिडली ये 2 बार अरेस्ट किए जा चुके हैं फॉर्जरी और टैक्स फ्रॉड के लिए, और बाद में इन्हें एज मैनेजिंग डायरेक्टर प्रमोट किया गया अडानी ग्रुप का। अगला आरोप लगा है गौतम अडानी के ब्रदर इन लॉ समीर वोरा पर। कहा है एलिजिडली कि ये डायमंड ट्रेडिंग स्कैम के रिंग लीडर थे। इन्हें बाद में प्रमोट किया गया एज दी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अडानी ऑस्ट्रेलिया डिविजन के लिए। फिर आरोप लगा है गौतम अडानी के बड़े भाई विनोद अडानी पर कि एलिजिडली इन्होंने अलग अलग देशों में जाकर ऑफशोर शेल कंपनीज बनाई और मनी लॉन्ड्रिंग की इन्होंने एलिजिडली। रिपोर्ट में लिखा गया है कि हिंडनबर्ग ने 38 ऑफशोर शेल कंपनीज आइडेंटिफाई करी मॉरिशियस देश में, जिसे विनोद अडानी या उनके क्लोज एसोसिएट्स के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, और कई और टैक्स हेवंस जैसे कि कैरेबियन आइलैंड्स में इनकी कंपनीज देखी गई। ये कहते हैं कि कई ऐसी शेल कंपनीज है जिनकी कोई वेबसाइट तक नहीं है, कुछ की वेबसाइट है तो उन पर सिर्फ स्टॉक फोटोज लगा रखी है, कोई एम्प्लॉयज नहीं है उन कंपनीज के, कोई ढंग का एड्रेस तक नहीं है। वैसे यही शेल कंपनीज का आरोप लगा था पैनामा पेपर्स के एक्सपोजे में, अगर आपको याद हो बहुत बड़ा एक्सपोजे जो हुआ था। इस पूरे प्रोसेस को अगर आप डिटेल में समझना चाहते हैं कि ये शेल कंपनीज काम कैसे करती हैं और ये फ्रॉड होता कैसे है, तो इसे आप डिटेल में समझ सकते हैं इस 80 मिनट की ऑडियो बुक में पैनामा पेपर्स के ऊपर, जो कुकू FM पे आपको मिलेगी। कुकू FM को नहीं जानते, एक बड़ी ऑडियो लर्निंग का प्लेटफॉर्म जहां पर ढेर सारी ऐसी नॉलेजेबल ऑडियो बुक्स आपको सुनने को मिलती हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिक्शन, पॉलिटिक्स, हर टॉपिक पे आपको ऑडियो बुक्स मिलेंगी, और अगर आप कूपन कोड ध्रुव50 इस्तेमाल करेंगे तो फर्स्ट मंथ पे आपको 50% ऑफ भी मिलेगा। 99 रुपीज की जगह सिर्फ 49 रुपीज कॉस्ट पड़ेगी कुकू FM के सब्सक्रिप्शन की। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और यहां मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कुकू FM का इस वीडियो को स्पॉन्सर करने के लिए भी। टॉपिक पर वापस आते हैं। हिंडनबर्ग ने कहा है कि इन्होंने कई RTI एप्लीकेशंस भी फाइल करी थी सेबी के साथ, ये पता लगाने के लिए कि ये ऑफशोर फंड्स एक्चुअली में पार्ट है ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन का या नहीं। ये कहते हैं कि एक साइप्रस बेस्ड कंपनी है न्यू लाइना नाम से, जिसका एक समय पर 95% पोर्टफोलियो सिर्फ अडानी ग्रीन एनर्जी शेयर्स से बन रहा था। $420 मिलियन इस कंपनी ने अडानी ग्रीन एनर्जी शेयर्स में इन्वेस्ट किए, और इस कंपनी को ऑपरेट किया जा रहा था एमीकॉर्प इनकॉर्पोरेशन सर्विसेज कंपनी के द्वारा। और अपेरेंटली एमीकॉर्प ने एक बड़ा की रोल निभाया था 1MDB इंटरनेशनल फ्रॉड स्कैंडल में, जिसमें $4.5 बिलियन पैसे चुराए गए मलेशियन टैक्स पेयर्स से। ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल्स इन्होंने रिपोर्ट में दे रखे हैं अपनी, अगर आप और डिटेल में इन एग्जांपल्स को पढ़ना चाहते हैं तो मैं लिंक इस रिपोर्ट का नीचे डाल दूंगा। ये कहते हैं कि अगर गौतम अडानी ने कुछ गलत नहीं किया है तो उन 88 सवालों का जवाब ये दे सकते हैं। तो अब देखते हैं कि अडानी ग्रुप की कंपनीज की तरफ से इस रिपोर्ट को लेकर क्या जवाब आता है।
27 जनवरी वो डेट थी जब पहला रिस्पांस आता है, जिसमें अडानी कंपनी एक प्रेजेंटेशन देती है जिसका टाइटल होता है मिथ्स ऑफ शॉर्ट सेलर। अपने रिस्पांस में ये बताते हैं कि कैसे इनके पास अच्छी क्रेडिट रेटिंग्स हैं। जो अडानी ग्रुप की कंपनीज हैं वो अलग अलग रेगुलेशंस को मीट करती हैं जिन्हें सरकार ने स्पेसिफाई किया है। The Adani Group published a lengthy response to Hindenburg's report over the weekend, saying it would pursue remedies to protect investors before all appropriate authorities. इससे करीब दो दिन पहले 25 जनवरी को अडानी ग्रुप के जो CFO हैं, उन्होंने कहा कि ये जो रिपोर्ट की टाइमिंग है वो बताती है कि यहाँ पर कुछ गलत इंटेंशन है इस रिपोर्ट को निकालने के पीछे। यहाँ पर अडानी ग्रुप की रेपुटेशन को अंडरमाइन करने की कोशिश करी जा रही है और हमारी जो आने वाली फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग है उसे डैमेज करने के लिए ये किया गया है। The timing of the report's publication clearly betrays a brazen, malafide intention to undermine Adani Group's reputation with the principal objective of damaging the upcoming follow-on public offering from Adani Enterprise. 26 जनवरी को जो ग्रुप के हेड लीगल हैं, वो धमकी देते हैं हिंडनबर्ग को कि वो लीगल एक्शन लेंगे, और रिस्पांस में हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी कहती है कि ब्रिंग इट ऑन, जो लीगल एक्शन लेना है लो। अब एक सवाल यहाँ पर ये उठता है कि हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी इतनी कॉन्फिडेंट क्यों है, क्यों इतना भरोसा है इन्हें अपने ऊपर? इनका पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड देखना चाहिए। इससे पहले कई कंपनीज पर इन्होंने आरोप लगाए और शॉर्ट सेलिंग करी, जैसे कि निकोला, विंस फाइनेंस, जीनियस ब्रांड्स, चाइना मेटल रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन। कुल मिला के 2017 से जब से कंपनी बनी है कम से कम 16 अलग अलग कंपनीज पर आरोप लगाए जा चुके हैं और उनकी शॉर्ट सेलिंग करी गई है। सितंबर 2020 में इन्होंने निकोला कंपनी को लेकर ऐसी ही रिपोर्ट निकाली थी, कहा कि ये कंपनी झूठ बोल रही है। उस रिपोर्ट के आने के बाद जो निकोला के फाउंडर और एग्जीक्यूटिव चेयरमैन थे उन्होंने कंपनी से रिजाइन कर दिया और दो साल बाद निकोला कंपनी के शेयर्स 71% नीचे गिरे। मई 2020 में हिंडनबर्ग ने चाइना मेटल रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन कंपनी को टारगेट किया, ये कहते हुए कि बहुत सी चीजें गलत करने लग रहे हैं, ये इररेगुलरिटीज हैं इस कंपनी में, फ्रॉड हो रहा है, और उसके बाद इस कंपनी के शेयर्स 90% गए। जून 2020 हिंडनबर्ग ने जीनियस ब्रांड्स कंपनी के बारे में लिखा जिसका शेयर प्राइस था $6.86 पर शेयर। रिपोर्ट आने के बाद इसका शेयर प्राइस नीचे गिरकर $1.5 पर शेयर हो गया 2 महीने के अंदर अंदर। इन सारे केसेस में हिंडनबर्ग ने कोई ना कोई फ्रॉड या स्कैम होने का आरोप लगाया और फिर जाकर शॉर्ट सेलिंग करी। एक ब्लूमबर्ग रिपोर्ट हमें बताती है कि करीब 30 कंपनीज जिन्हें हिंडनबर्ग ने टारगेट किया है, ऑन एवरेज अगले ही दिन रिपोर्ट आने के बाद वो 15% डाउन चली गई उनका स्टॉक, और अगले 6 महीने में ऑन एवरेज 26% उनका स्टॉक डाउन गया है। तो ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए काफी अच्छा है हिंडनबर्ग कंपनी का। जिस कंपनी को हिंडनबर्ग ने टारगेट किया उनमें से कई कंपनीज का स्टॉक नीचे क्रैश कर गया और कईयों पर फिर इन्वेस्टिगेशंस भी कराई गई। लेकिन फिर भी इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो काम यहाँ पर शॉर्ट सेलिंग का हो रहा है ये बहुत रिस्की काम है, स्पेशली क्योंकि निकोला कंपनी का जो एग्जांपल मैंने बताया आपको उसमें हमें बाद में पता चला कि हिंडनबर्ग ने 43% स्टॉक को शॉर्ट सेल कर रखा था, एक कंपनी के ऑलमोस्ट आधे स्टॉक्स को शॉर्ट सेल कर रखा था जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है। तो अगर नुकसान होता निकोला कंपनी के केस में हिंडनबर्ग को तो नुकसान बहुत बहुत बड़ा होता। अडानी के केस में हम नहीं जानते कि एग्जैक्टली कितना ज्यादा शॉर्ट सेल किया है हिंडनबर्ग ने, हो सकता है आने वाले टाइम में हमें पता चले। अपनी टाइमलाइन पर हम वापस आएं तो 29 जनवरी को अडानी के द्वारा एक और रिस्पांस आता है। हिंडनबर्ग की 106 पेज की रिपोर्ट का काउंटर किया जाता है 413 पेजेस के द्वारा। अडानी ग्रुप अपनी रिपोर्ट निकालता है इस हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को काउंटर करने के लिए। ये कहते हैं कि सेलेक्टिव और मैनिपुलेटिव प्रेजेंटेशन की गई है पब्लिक डोमेन में एक फॉल्स नैरेटिव बिठाने के लिए। साथ ही साथ ये कहते हैं कि यहाँ पर इंडियन इंस्टीट्यूशंस को अंडरमाइन किया जा रहा है और ये इंडिया पर एक अटैक है, अडानी पर नहीं, ये इंडिया पर अटैक है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग रिस्पॉन्स। अडानी का कहना है कि 88 में से 65 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनके जवाब पब्लिकली अवेलेबल हैं। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पढ़ा जाए, स्टॉक एक्सचेंज डिस्क्लोजर्स को देखा जाए तो इनके जवाब पब्लिकली मिल जाएंगे, और बाकी जो 18 क्वेश्चंस हैं वो पब्लिक शेयर होल्डर्स और थर्ड पार्टीज को लेकर हैं, वो अडानी से लेना देना नहीं है उनका। और आखिरी बचे 5 क्वेश्चंस बेसलेस हैं और इमेजिनरी फैक्ट पैटर्न्स पर बेस्ड हैं। इस रिस्पांस के रिस्पांस में हिंडनबर्ग का रिस्पांस आता है कि किसी भी सवाल का एक्चुअली में जवाब नहीं दिया है अडानी ग्रुप ने। हिंडनबर्ग कहता है कि अडानी ग्रुप अपने रिस्पांस में सिर्फ यही कहे जा रहा है कि हमारे पास गवर्नमेंट रेगुलेटरी बॉडीज का अप्रूवल है, सारा डेटा पब्लिकली अवेलेबल है, लेकिन प्रॉपरली किसी भी सवाल का जवाब नहीं आया। देशभक्ति को लेकर हिंडनबर्ग ने कहा, फ्रॉड के नॉट बी ऑब्फस्केटेड बाय नेशनलिज्म और अ ब्लोटेड रिस्पांस दैट इग्नोर्स एवरी की एलिगेशन वी रेज्ड। इनका कहना है कि ये नेशनलिज्म का आर्ग्यूमेंट यूज करना यहां पर सिर्फ एक बहाना है, सवालों से छुपने की कोशिश करी जा रही है। हिंडनबर्ग कहता
है कि वी बिलीव इंडिया इज अ वाइब्रेंट डेमोक्रेसी एंड एन इमर्जिंग सुपर पावर विद एन एक्साइटिंग फ्यूचर। तो ये बात तो काफी क्लियर है कि हिंडनबर्ग इंडिया की डेमोक्रेसी पर या सुपर पावर होने पर कोई सवाल नहीं उठा रहा है। उनके अपने शब्दों में उनका सोल टारगेट यहाँ पर है अडानी ग्रुप और 60 साल के मिस्टर गौतम अडानी। ओवरऑल देखा जाए तो हिंडनबर्ग इतना कॉन्फिडेंट है अपनी एलिगेशंस को लेकर कि इन्होंने अपनी रिपोर्ट के चौथे पॉइंट में ही कहा है, अगर हमारी सारी इन्वेस्टिगेशंस को इग्नोर भी कर दो जो हमने इस रिपोर्ट में बताया है और अडानी ग्रुप की 7 कंपनीज के फाइनेंशियल्स को अगर सिर्फ फेस वैल्यू पर लो तो भी ये 85% ओवर वैल्यूड है। दोस्तों जब से ये मैंने वीडियो शूट किया था 31 जनवरी को और आज 2 फरवरी है जिस दिन ये वीडियो रिलीज होगा, इसी बीच कुछ बहुत बड़े अपडेट्स आए इस कहानी में। ऐसे अपडेट्स जिन्हें देखकर लगता है कि अडानी ग्रुप की कंपनीज के लिए मुश्किलें बढ़ रही हैं। 3 बड़े अपडेट्स। पहला, फोर्ब्स ने अक्यूज किया है अडानी को कि इन्होंने अपने ही शेयर्स खुद से खरीदे अपना स्टॉक प्राइस बढ़ाने के लिए। दूसरा, क्रेडिट स्विस एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट बैंक है, स्विट्जरलैंड में बेस्ड है, इन्होंने कहा है कि अब से ये अडानी की बॉन्ड्स को एज अ कोलैटरल नहीं एक्सेप्ट करेंगे अगर कोई भी लोन लिया जाता है इस बैंक से। बेसिकली क्रेडिट स्विस ने 0 लेंडिंग वैल्यू असाइन कर दी है अडानी ग्रुप की बॉन्ड्स को। इसके बाद यही चीज कही सिटी ग्रुप की वेल्थ यूनिट ने भी। और तीसरा, अडानी ग्रुप ने अपने FPO को कैंसिल कर दिया। इन्होंने कहा कि इनका शेयर प्राइस इतना फ्लक्चुएट कर रहा था कि मॉरल ग्राउंड्स पर इन्होंने अपने FPO को कैंसिल कर दिया है। कुल मिला के जो टोटल लॉसेस अडानी ग्रुप की कंपनीज को अब देखने को मिल रहे हैं वो $86 बिलियन के हो चुके हैं। एक चीज तो पक्की है दोस्तों, आने वाले टाइम में ये एक विन लूज सिचुएशन है। अगर हिंडनबर्ग की ये रिपोर्ट सही है तो फायदा यहाँ हिंडनबर्ग को होगा और नुकसान सिर्फ अडानी को, लेकिन अगर अडानी यहाँ पर सही है और ये रिपोर्ट गलत है तो फायदा अडानी को होगा और नुकसान सिर्फ हिंडनबर्ग को। आपकी क्या राय है यहाँ पर नीचे कमेंट्स में लिखकर बताइए। वीडियो पसंद आया तो फाइनेंस सीरीज के और वीडियोस यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं ऐसी ही चीजों को और डिटेल से समझने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।